बीएसएफ के बॉर्डर डोमिनेशन के एफर्ट में कल 4 तारीख को शाम को एक सफलता मिली है। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी टनल डिटेक्शन की, उसमें करीब कल शाम को 4:30 के आसपास में हमारी जो टीम है उसने डिटेक्ट किया एक टनल की सकिया जगह। उसको और सर्च किया गया और थोड़ा खोदा गया तो वहाँ एक ओपनिंग मिली है, और उसके अंदर जिस प्रकार से पहले भी इस इलाके में टनल मिली हैं तो वैसे ही जो सैंड बैग से सपोर्ट करके उसका मुंह बंद किया जाता है, वो लगभग हरे रंग के सैंड बैग उसमें मिले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सफलता है, और जो ट्रूप्स ग्राउंड में मेहनत करते हैं वो आप लोग सब ग्राउंड देख के आए हैं, तो उसमें कितना मुश्किल होता है किसी भी छुपी हुई टनल को जो ऊपर से बंद हो उसको खोज निकालना। तो मैं अपने कमांडर्स को और ट्रूप्स को इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये टनल लगभग 150 मीटर लंबी है, जो कि बॉर्डर से फेंस तक करीब 100 मीटर है, और उसके पीछे फिर लगभग 50 मीटर फेंस के पीछे इसकी ओपनिंग मिली है, जो कि घने जंगल में और जो टूटी फूटी ज़मीन है उसके जो गहन सर्च, एक एक इंच की जो सर्च की गई उसमें ये नतीजा निकला है। और एक बार फिर से मैं कहूँगा कि जो सीमा पार से लगातार प्रयास किया जा रहा है भारतवर्ष में परेशानी खड़ी करने की, मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट कराने की, उसको फॉइल करने में हमें सफलता मिली है। और ख़ास तौर पर अभी आने वाले दिनों में श्री अमरनाथ जी की यात्रा होनी है, उसको देखते हुए ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है, और ये बहुत बड़ी एक सफलता मैं समझता हूँ कि हमारे ट्रूप्स ने ये दी है, जिससे सुरक्षा, देश की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा और हिंटरलैंड में भी सुरक्षा बनी रहे, उसमें ये अहम कड़ी के आधार पर ये टनल को खोजा गया है। ये जो टनल की बनावट है उसमें जो मिट्टी मिली है या सैंड बैग जो हैं उनके अंदर मिट्टी भरी हुई है, उससे लगता है कि ये नई खुदी हुई टनल है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो अब जहाँ तक आपने जो सुंजुआ का जिक्र किया है, ये जब से वो इंसिडेंट हुआ है कि ये प्रयास जारी है इसको जोड़ने का कि शायद ये बॉर्डर से निकले हों, पर ये एक अंदाज सिर्फ है, कयास ही सिर्फ लगाया जा रहा है, ऐसी कोई एविडेंस ओरल या इलेक्ट्रॉनिक हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है अभी के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर कि वो किस रास्ते से, किस जगह से, बॉर्डर से या कहीं और से वो वहाँ पर पहुँचे थे। तो वो असल स्थिति अभी तक ज्ञात नहीं है, वो एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। आगे अगर कोई किसी चीज़ की क्लैरिटी होती है तो वो आप लोगों से शेयर की जाएगी, लेकिन अभी मैं कहूँगा कि ये सिर्फ़ एक कयास है जिसको लगाया जा रहा है।